किसान भाइयों, आज मैं पूसा फार्म मोदीपुरम में हूँ। हमारे डॉक्टर साहब हैं, थोड़ा अपना परिचय दे रहा साहब। मैं डॉक्टर रितेश शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ से हूँ। जी, ये जो आप पीछे देख रहे हो, क्योंकि अब धान को लगाने का समय आ गया है जी। और धान जहाँ लगानी है वहाँ हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप हरी खाद की फसल ज़रूर लें जी, क्योंकि बासमती की जो प्रजातियां हैं इनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने ये उड़द बुरद के फली आ गई, ये भी इसी काम आएगा? हाँ जी, अब यदि हमें इसमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो अभी हम इसमें पानी भरेंगे और दो बार ट्रैक्टर चला देंगे। जैसे पीछे आप देख रहे हैं ये मूंग है, मूंग में अभी ये पटलिंग एक बार चला दिया है हमने जी, तो ये उसमें मिक्स हो गई, दूसरी बार में पटलिंग भी हो जाएगी। इससे एक फ़ायदा ये है कि किसान भाई हरी खाद लेने के लिए पहले चार पांच बार हैरो चला के उसको पलटते हैं, हाँ जी, उसके बाद फिर कद्दू करते हैं या घान लगाते हैं जी। तो इतना डीजल जो खर्च होता है वो सारा पैसा हम बचा सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं। एक बार आपको पानी जिस दिन रोपाई करनी है जी, उससे एक दिन पहले खेत में पानी भरो और दो बार रोटावेटर चला दो, तो उससे क्या होगा, हरी खाद पलट भी जाएगी और आपकी कद्दू भी हो जाएगा, घान लगना भी जी, काम ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें जो फ़ायदा होगा, जो पोषक तत्व हरी खाद से मिलने हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे जी, क्योंकि यदि आपने 10 दिन पहले पलट दिया तो उसके आधे पोषक तत्व तो ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, उड़द बोते हैं और फिर उसमें दुर्गति हो जाए, उसे काटते हैं, बरसात आ जाए तो मेरे भाइयों, उसे काटने की बजाय उसकी खेत में जुताई करें, आपको इतनी खाद मिलेगी आपकी धान जो है बहुत ही कम डोज के साथ में पैदा होगी। हाँ, यूरिया डालने की हो सकता है, जैसे पूसा बासमती 11-21 वैरायटी है या 17-18 है, एक दाना भी यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो किसान भाइयों, आपको अच्छी जानकारी मिली, ज़रूर लाइक करना। नमस्कार।